हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त आज आपसे इस थाइमोफिला के बारे में बात करूंगी। इसे डेलबर्ग डेजी भी कहते हैं और ये सनफ्लावर वाली फैमिली को बिलोंग करता है। और देखिए फ्लावर्स भी छोटे छोटे ऐसे लगते हैं जैसे सनफ्लावर जैसे हैं और कितना प्यारा लगता है ये। किसी भी बड़े गमले के नीचे लगा दो आप, हैंगिंग बास्केट में लगा दो और कोई भी आप कंटेनर गार्डन तैयार करते हो उसके उसमें लगा दो और बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके बड़े बड़े कुंडे भी तैयार कर सकते हो, जैसे 5-6 एक साथ गमले तैयार कर लो तो ये लगे हुए बड़े अच्छे लगते हैं, कंट्रास्ट देते हैं आपके गार्डन को और बहुत प्यारे लगते हैं। इनको फुल सन में लगाएं जहाँ इनको खूब अच्छी 5-6 घंटे की धूप मिले, वहाँ ये फ्लावर अच्छा करते हैं। और फिर पानी जो है इनको इतना दें कि मिट्टी मॉइस्ट रहे, बहुत ओवर वाटरिंग नहीं करें, उससे पत्ते वगैरह जो है गल जाएंगे जड़ें भी। और ओवर हेड वाटरिंग नहीं करें, पत्तों और फूलों के ऊपर पानी डालते हुए वाटरिंग नहीं करें, ज़मीन के लेवल पर ही वाटरिंग करें इसकी। और क्योंकि और फिर क्या कर सकते हैं आप गर्मियों में, थोड़ी सी इसमें वो मल्चिंग भी कर सकते हैं ताकि मॉइस्ट ठंडी रहें इसकी जड़ें। वैसे ये थोड़ा सा ना विंटर फ्लावर ही है हमारे यहाँ तो इंडिया में तो ये, और ये थोड़ा देर से फ्लावरिंग करना शुरू करता है और बाद में थोड़ा देर तक करता है, जैसे फ्लॉक्स होते हैं ना वो थोड़ा देर तक करते हैं, हल्की सी गर्मी बर्दाश्त करते हैं। ये भी देखिए, मैं आप शुरू से मेरा गार्डन देख रहे होंगे तो ये अब लेट फ्लावरिंग करना शुरू किया है इन्होंने। और बस बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्पैन नहीं होता है इनका, लाइफ स्पैन थोड़ा ही है, थोड़े टाइम और करेंगे ये 10-15-20 दिन, तो 1-1.5 महीना करते हैं ये फ्लावरिंग अच्छी तरह से, जिसको कहते हैं कि प्रोफ्यूज फ्लावरिंग होती है जो इनकी। और मिट्टी इनकी लें तो इनको जैसे देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा नंबर में फ्लावर्स इसमें निकलते हैं, तो इसमें खाद थोड़ी सी ज़्यादा डालें, एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा रिवर्स एंड और दो हिस्से खाद डालें इसमें, और ऊपर से फिर इसमें वर्मी कंपोस्ट की थोड़ी सी मल्चिंग कर सकते हैं, तो उससे क्या है मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट भी रहेगी और सौगी नहीं करनी है मिट्टी, नहीं तो गल जाएगा पौधा आपका। बस इसको जब मिट्टी सूखने लगे तभी पानी दो तो हल्की सी मॉइस्ट रहे बस इसकी मिट्टी। और जैसे ये फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करता है तो इसको हर हफ्ते लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र पे मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, कोई भी दे सकते हैं आप। केमिकल देना चाहें तो 1 लीटर पानी में एक आधा चम्मच DAP और आधा चम्मच पोटाश का मिला के वो पानी आप हर हफ्ते दे दें। थोड़ा सा ये जो सॉल्यूशन अगर केमिकल देते हैं तो थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर भी मिला लें। और ऑर्गेनिक बनाना है तो उसमें मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं, वो बेस्ट रहता है वैसे, वो दें तो बहुत अच्छा है। आपको हर हफ्ते दें इसको। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक फ्लावरिंग लेने के लिए क्या करें, डेड हेडिंग करते रहें। ये जो देखिए ये जो स्पेंट हो जाते हैं ना ये वाले फ्लावर्स, ये देखिए विल्ट हो जाते हैं बिल्कुल, इनको उतारते रहिए ताकि सीड फॉर्मेशन नहीं स्टार्ट हो, और सीड फॉर्मेशन देर से होगा तो ये फूल भी ज़्यादा देर तक देते रहेंगे। ऐसे इनकी डेड हेडिंग करते रहें और जब इनमें फ्लावर आने कम हो जाए 15-20 दिन बाद इसका मौसम जाएगा, जब गर्मी बहुत तेज़ होने लगेगी वो पता चल जाता है, तो उस टाइम फिर इनके सीड्स कलेक्ट करके आप रख लें, तो आप सीड से जो है वो जिन गमलों में ये लगा हुआ है उनमें तो ये अपने आप ही उग जाता है नेक्स्ट ईयर। और वैसे आप इनके फ्लावर्स कलेक्ट करके रख लें सीड्स वाले, तो नेक्स्ट ईयर आप उन सीड्स से इनको लगा सकते हैं। अभी आप थोड़े दिनों बाद इसमें, अभी नहीं एक दिखा था मुझे अभी थोड़ी देर पहले, और वैसे अब थोड़े दिनों बाद इनमें जब फ्लावरिंग थोड़ी कम होगी तो हर फ्लावर में ऐसे सीड दिखने लग जाएंगे, और फिर बस उन सीड से ही नेक्स्ट ईयर इनको हम लगा सकते हैं। छोटे पौधे इनके बड़े डेलिकेट होते हैं, जैसे अब देखिए इसमें मैंने ये 2-3 पौधे लगाए थे लेकिन अभी देखिए इनमें ज़्यादा इतने से ही ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई है, देखिए इतना ही ग्रो किए हैं ये। और उसमें तो क्या है मैंने नेक्स्ट ईयर लगाए थे वो अपने आप ही दोबारा उगाए, सॉरी लास्ट ईयर लगाए थे तो वो अपने आप ही दोबारा उगाए और फ्लावरिंग कर रहे हैं, इसमें मैंने दोबारा लगाए नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ था ये। और बाकी इनमें से ले लेके इनमें लगाए थे तो अभी ये देखिए ज़्यादा इनमें नहीं हो रहे हैं, और इनमें अब नेक्स्ट ईयर शायद और ज़्यादा ग्रो करें देखिए। तो बस यही है इनके बारे में, और आपको नर्सरी में मिलते कम है ये वैसे, पर बाय चांस अगर कभी मिल जाए तो इनको आप लें,
और शायद इनका एक और कलर भी आता है, पर मुझे अभी तक यही कलर मिला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको थाइमोफिला के बारे में ये जानकारी मेरी अच्छी लगती है, इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।